Hey, what's up, guys? It's your bro Rishi Thorwe with a new video, dude. तो आज के ये वीडियो में आपको थ्री टॉप थ्री बेस्ट कैमरा एप्स बताने वाला हूँ जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अच्छे खासे फोटोज खींच सकते हैं, वीडियोज की क्वालिटी भी अच्छी खासी कर सकते हैं। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे मोबाइल में तो ऑलरेडी कैमरा का ऑप्शन है, तो क्यों हम कैमरा के ऐप्स डाउनलोड करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो कैमरा का ऑप्शन आपके मोबाइल में होता है उससे इतनी अच्छी क्वालिटी के आप इमेज नहीं खींच सकते और उसमें कुछ इफेक्ट्स भी नहीं होते मैन्युअली। तो आप ये ऐप्स डाउनलोड करके आपके मोबाइल को एक कैमरा जैसा यूज कर सकते हैं और अच्छी खासी इमेज पर फोटो खींच सकते हैं। तो ये वीडियो में यही बात करने वाले हैं। हाँ, और वीडियो के आखिर में आपको एक ऐप बताने वाला हूँ, गेम बताने वाला हूँ जो कि कैरे मीनाती के फैंस ने खुद बनाए और उसके ग्राफिक्स भी काफी बढ़िया है। और बने रहिए इस वीडियो में, करते हैं ये वाली वीडियो स्टार्ट। तो फर्स्ट ऐप जो है वो है कैमरा MX। ये कैमरा ऐप जो है वो काफी बढ़िया है। यहाँ पे आपको कई सारे फिल्टर्स दिखाई देंगे जिससे आप अपने पिक्चर मॉडिफाई करके खींच सकते हो। और हाँ, इसमें खास बात है, यहाँ पे आप वीडियोस भी शूट कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस के लिए हो या अधिक वीडियोस के लिए हो। तो आपको क्या लाइटिंग की जरूरत पड़ती है जिससे कि आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छा है, पर इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपके पास लाइटिंग नहीं है तो भी आप इस ऐप को यूज करके अच्छी खासी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी इस ऐप में। अभी सेकेंड ऐप जो है वो है कैमेरिंगो लाइट। आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छी फोटोज खींच सकते हो, पर इसमें आप वीडियो शूट नहीं कर सकते। सिर्फ ये ऐप जो फोटोग्राफी लवर है उनके लिए ये, यहाँ से आप सिर्फ फोटो खींच सकते हो। और इसमें भी कई सारे ज़्यादा फिल्टर्स आपको दिखाई देंगे कंपेयर टू फर्स्ट ऐप। यहाँ पे और कई सारे फिल्टर्स है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऐप है। और ये आपको सिर्फ समथिंग 15 MB में मिल जाएगा और आप इससे काफ़ी अच्छी तरीके से फोटोग्राफी अपने लेवल बढ़ा सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कैमरा खरीदने से पहले फोटोग्राफी में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप इस ऐप से मदद लेकर अच्छी खासी फोटोग्राफी सीख सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऐप है। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा सेकेंड ऐप। तो थर्ड ऐप जो है कैमरा का ऐप वो है बैकऑन कैमरा। तो इसलिए मैंने इस 1 नंबर पे रखा है क्योंकि ये बाकी 2 ऐप से काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाएगा और HDR मोड भी मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस ऐप की। और इसमें आप HDR मोड में भी फोटोज खींच सकते हो और HDR मोड काफ़ी अच्छा होता है और पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छा है इसमें। तो इसलिए मैंने इस ऐप को 1st नंबर पे रखा है और इससे भी आप फोटोज खींच सकते हो। सेम थिंग इसके साथ भी, इसके साथ आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, सिर्फ फोटो खींचने के लिए आप यूज करते हो। तो शॉर्टली जो मैंने थर्ड ऐप बताया था सिर्फ उसमें ही आप वीडियो शूट कर सकते हो, सेकेंड और फर्स्ट ऐप में आप फोटो शूट नहीं कर सकते। तो ये तो हुआ हमारा आज कैमरा के बाद में जो 3 ऐप्स में बताने वाला था। और लास्ट में बताने वाला हूँ कि एक गेम जो कैरी मीनाती के फैंस ने बनाया और वो गेम है कैरी मीनाती। कैरी मीनाती आप जैसे ही सर्च करते हो तो वैसे आपको प्ले स्टोर पर गेम आ जाती है। तो इसका मैं आपको गेम पे दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा गेम है, काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा गेम है और इसके ग्राफिक्स भी थोड़े फार अच्छे हैं, इतने भी नहीं कि बड़े खेल सके, पर खेल सकते टाइम पास के लिए अगर आप बोर हो रहे हैं तो। और काफ़ी अच्छा गेम है भी ये, तो ट्राई करना। बस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं हमेशा चैनल को सब्सक्राइब कर दो ये वीडियो के आखिर में कहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो।